रहा आपका पीजीडीसीए का क्वेश्चन पेपर 2022 जामिया मिल्लिया इस्लामिया का, और यहाँ पे देख सकते हैं आप, यह है पेपर कोड बी। अब हम इसकी फटाफट आंसर की देख लेते हैं, उसके बाद डिटेल में सॉल्यूशन, जैसे कि पिछले वीडियोस में भी आपने देखा होगा लास्ट ईयर के क्वेश्चन पीवाईक्यू जो भी थे वो हमने सब जो है बनाए हुए हैं डिटेल सॉल्यूशन के साथ, बट आंसर की भी उनकी बनाई है। तो फिलहाल हम इसकी आंसर की देख लेते हैं। एडवर्ब ऑफ वीक इज वीकली होनी चाहिए, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर टू, ए पर्सन हु प्लेज द वायलिन इज वायलिनिस्ट। ओके, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। देन सिनोनिम ऑफ थ्रिल इज चार्ज। उसका फोर्थ, ये सिनोनिम ऑफ मोमेंट इज सिनोनिम ऑफ मोमेंट इज मूव। ओके, तो सी सही हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं, द किंग डाइट हेयरलेस। उसके बाद आई एम वेरी सॉरी, आई नो हिम वेरी वेल, सी करेक्ट हो जाएगा। हम फटाफट आंसर बताने की कोशिश कर रहे हैं। आई शैल विजिट द बुक फेयर टूमोरो, तो ये कौन सा सेंटेंस है, सिम आई शैल विजिट द, फ्यूचर कंटिन्यूस तो नहीं हो सकता क्योंकि ये सिंपल फ्यूचर है। उसके बाद सुगन्या इज टाइपिंग, तो ये इज है टाइपिंग है, दोनों लगे हुए हैं तो प्रेजेंट कंटिन्यूस हो जाएगा। इससे ज़्यादा आसान सवाल मेरे ख्याल से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, ये बहुत ही कहना चाहिए अच्छा लेवल नहीं है। प्लूरल ऑफ बेरी इज बेरीज, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10, रॉन्ग वर्ड यहाँ से हटाना है। टू करेक्ट द सेंटेंस आर प्रिंसिपल्स, ये हटा दो आप। उसके बाद 11 देखिए, ये मैथमेटिक्स का एक सवाल दिया हुआ है और यहाँ आपसे पूछा है कि वो कितना टाइम लगी किसी पोस्ट या खंबे को पार करने में जिसकी खुद की लंबाई है 60 मीटर और स्पीड है 36 km/h। तो आप सेकंड में आंसर लाएंगे, इसलिए 36 को आप पहले मीटर पर सेकंड में बदलिए। कैसे बदलेंगे, 36 को आप 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे डिवाइड करेंगे 60 × 60 से। ओके, और उसके बाद टाइम निकालेंगे तो 6 सेकेंड आ जाएगा। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। 12th पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12th क्या कहता है, ये भी मिलता जुलता सवाल है। यहाँ पे ट्रेन की स्पीड दी हुई है तो इसको आप पहले मीटर पर सेकंड में ले जाओ, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जो 10 मिनट्स में डिस्टेंस पूछी इसको भी सेकंड में बदल दो, ये 60 से मल्टीप्लाई करके 600 सेकंड में बदल जाएगा। ओके, और उसके बाद आप इसकी स्पीड निकालोगे तो ये आपकी 15 km/h आ जाएगा। डिस्टेंस पूछा है तो डिस्टेंस में KMPH नहीं होना चाहिए, 16 किलोमीटर आपका आंसर होना चाहिए, थोड़ा सा मिसप्रिंटेड है। उसके बाद 13 देखिए, सेलेक्ट द ऑड वन आउट, तो कैंटीन यहाँ पे आपका आंसर होगा, 13 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। उसके बाद 14 पे चलते हैं, ऑड मैन आउट, यहाँ पे भी ऑड पता करना है क्या है, तो देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, बारे डबल होता चल जा रहा है तो डबल करेंगे अगर इसका, तो इसका 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32, 64, 1 2 8 होना चाहिए, 96 यहाँ पर रॉन्ग है। ओके, और उसके बाद फिर से ऑड वन आउट पहचानना है, ऑड मैन आउट या ऑड वन आउट एक ही चीज़ होती है, तो 3 से 5 पहुँचा। और उसके बाद आप देखिए क्या हो रहा है, यहाँ 9 अकेला यहाँ पे ना प्राइम नंबर नहीं है तो इसको आप अलग पहचान सकते हो, बाकी सबके सब प्राइम नंबर्स हैं। उसके बाद 16 पे डॉक्टर डायग्नोसिस करता है, तो जज क्या करता है, जजमेंट देता है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चूज आउट द ऑड वन फिर से, तो स्लीट यहाँ पे आपका आंसर होगा। ओके, स्लीट मतलब ओला बरसती, ओलो का बरसना। और 18 देखिए, यहाँ पे भी ऑड वन पहचानना है, तो यहाँ पे वेल हो जाएगा, सॉरी आपका, ये पानी में रहती है पूरी तरह से, बाकी डक टॉर्टोइस एंड स्नेक दोनों जगह पे रहते हैं, पानी में भी और जमीन पे भी। उसके बाद 1 2 1 1 6 9 3 60 1, और ये तो 1 2 1, और यहाँ पे देखेंगे ये 11 का है तो ये 19 का, तो ऐसे अगर आप देखेंगे तो ये 19 का, सॉरी ये 11, ये 13, ये अगर 19 का हो तो ये 21 का स्क्वायर होना चाहिए, यानी कि 4 8 सॉरी 4 4 1 होना चाहिए, बट यहाँ पर कोई आंसर मैच नहीं कर रहा है, तो कोई भी ऑप्शन यहाँ पूरी तरह से मैच नहीं कर रहा। अगर आपको लगता है कुछ और आंसर इसका पॉसिबल है तो आप जरूर कमेंट करके बताइए। ओके, 20 का आपका आंसर होगा साउथ वेस्ट। और उसके बाद 21 पे चलते हैं, 21 का हम पढ़ नहीं रहे सवाल क्योंकि आपको बहुत जल्दी है, आपको आंसर चाहिए। यहाँ पे सी आपका आंसर सही हो जाएगा, 40 मीटर। उसके बाद देखिए 22 22, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास, ये पूछा है, 16 फ्रॉम द टॉप एंड 49th फ्रॉम द बॉटम। ये शॉर्टकट आपका होता है L+R इज इक्वल टोटल प्लस 1, एल क्या है लेफ्ट और आर क्या है राइट, तो लेफ्ट से इतने हो राइट से इतने हो तो अब आप जो है इस फॉर्मूला लगा सकते हो। या बट यहाँ टॉप बॉटम की बात हो रही तो एल को टी से रिप्लेस कर दो, आर को बॉटम से रिप्लेस कर दो, T+B इज इक्वल टू टोटल, इस टी को लिखो आप टोटल, अदरवाइज आप कन्फ्यूज हो जाओगे, प्लस कर दो 1, तो ये आ जाएगा 16 प्लस 49 और इधर से आएगा 1 इज इक्वल टू होगा टोटल। ओके,
तो अल्टीमेटली आपको यहाँ से टोटल मिल जाएगा 64, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। विद इन सेकेंड आपका आंसर आ जाएंगे, आप ये प्रैक्टिस कर लेना हमारे यहाँ शॉर्टकट पे, तो आपको बहुत आसानी से विद इन सेकेंड आंसर मिलेंगे। अगले वाले को भी ऐसे ही आप सॉल्व करेंगे, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 9। अब यहाँ पर देखिए 24, ये भी रीजनिंग का सवाल है और इसमें आपका आंसर होगा VIJ। ओके 25 देखिए, वार्ड नंबर शुड कम नेक्स्ट, अगला नंबर क्या होगा, 7, 8, 9, ऐसे आप पहचानिए 7, 8, 9 ये चल रहा है, 9, 9 के बाद क्या आना चाहिए, 10, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए, द डे बिफोर यस्टरडे वाज सैटरडे, व्हाट विल बी द डे आफ्टर टुमारो, डे बिफोर यस्टरडे वाज सैटरडे, तो कल था संडे, आज है मंडे, डे आफ्टर टुमारो क्या होगा, आज मंडे है तो कल ट्यूसडे होगा और परसों क्या होगा, वेडनेसडे, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद मैराथन इज टू रेस एज हाइबरनेशन इज टू स्लीप। 28 देखिए, ऑड वन फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव, तो आप सेलिंग, स्विमिंग, ड्राइविंग, ड्राइविंग कहाँ पे करते हो, पानी के अंदर, बट ड्राइविंग बाहर करते हो। ओके 29, रॉन्ग नंबर यहाँ पे पहचानना क्या है, तो यहाँ पे 93 आपका रॉन्ग हो जाएगा, कैसे होगा ये हम आपको डिटेल्ड वीडियो में बताएंगे। नोएडा इज कोडेड एज देन, दिल्ली को आप कैसे लिखोगे, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला सवाल कहता है, सुपर कंप्यूटर में हम कौन सी यूनिट यूज़ करते हैं स्पीड मेजर करने के लिए, तो यहाँ पे आपका आंसर होना चाहिए गैलोप्स, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा आपका। वेब स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में से कौन सी नहीं, तो DSP, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए, पोर्टेबल इनमें से कौन सा नहीं होता, तो पोर्टेबल नोटबुक, कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, लैपटॉप, इनमें से सभी पोर्टेबल होते हैं, आई थिंक इसका आंसर होना चाहिए डी, इस पर कमेंट करना एक बार ज़रूर। हाँ, सॉफ्टवेयर इज व्हाट, कंप्यूटर प्रोग्राम, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इनपुट दैट इज क्लोजली रिलेटेड टू ए टच स्क्रीन इज लाइट पेन। ओके अगला देखिए, ये एंटी स्पैम प्रोग्राम होगा। उसके बाद लैन स्टैंड फॉर लोकल एरिया नेटवर्किंग, तो ऑप्शन सी बेस्ट है, हालांकि बी भी हो सकता है इसका आंसर, नहीं डी भी हो सकता है, बट सी इज इवन बेटर। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज बाय द ब्राउजर टू कनेक्ट टू द लोकेशन ऑफ द इंटरनेट रिसोर्सेज, तो ये होता है आपका URL, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। ओके अगला आपका स्ट्रक्चर प्रोडक्ट ट्रांसिबल इंजीनियरिंग ड्राइंग में कौन सा यूज होता है, तो ये होता है आपका CAD प्रोग्राम, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद प्रोग्राम लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग स्पेशल प्रोग्राम लाइक एपलेट्स, तो ये कौन सी प्रोग्राम लैंग्वेज होती है, ये आपकी होती है जावा। इज द प्रोसेस ऑफ ड्राइविंग डिवाइडिंग द डिस्क इन टू ट्रैक्स एंड सेक्टर्स, ये कराती है फॉर्मेटिंग। उसके बाद 42 में चलते हैं, विच द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर परफॉर्मिंग न्यूमेरिकल एंड स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन, तो ये होंगी आपकी स्प्रेड शीट्स, ऑप्शन सी इज करेक्ट। एक्सटेंशन पूछा है एमएस डॉस कमांड का, तो ये होगा कमांड फाइल का, तो .com होगा। उसके बाद हाउ मेनी बिट्स आर इक्वल टू 1 byte, 8 bit इज इक्वल टू 1 byte और 4 bit इज इक्वल टू 1 nibble। 45 देखिए, नेम गिवन टू द प्रोग्राम कैपेबल ऑफ रनिंग ऑन एनी कंप्यूटर रिगार्डलेस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये कौन सा प्रोग्राम होगा भाई, ये आपका होगा एपलेट। ओके, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SMPS, तो यहाँ पे आप देखेंगे स्विच मोड पावर सप्लाई, ऑप्शन बी आपका यहाँ करेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद हु हैड बिल्ट द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, तो ये होगा जॉन एटानोसॉफ, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ओके उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट ऑन विच ए CPU आर टिपिकली कंस्ट्रक्टेड, तो ये होता है आपका मदरबोर्ड। ओके नेक्स्ट इज व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ बाइट्स ट्रांसफर्ड एट द रेट ऑफ 1 kilobit per second, तो ये होगा आपका 125, ऑप्शन ए इज करेक्ट। देन व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ADSL, तो एसिमेट्रिकल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ऑप्शन सी आपका यहाँ करेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 51 में आपसे प्रोबेबिलिटी पूछी है, इसका आंसर होगा 1/6। ऐसे ही 52 में नंबर बताना है, तो ये आपका होगा 8। 53 देखिए, SCF ऑफ टू नंबर इज दिस एंड देयर प्रोडक्ट इज दिस, तो SCF इनटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमसे पूछा LCM, तो SCF से इस नंबर को डिवाइड कर दो, प्रोडक्ट को डिवाइड करोगे तो आपका 720 आ जाएगा। ओके यहाँ पे दिया नेक्स्ट में cos 40 प्लस ए इज इक्वल टू साइन 30, देन द वैल्यू ऑफ ए इज, तो साइन 30 की वैल्यू होगी 1/2, ये आप रखोगे
ठीक है, तो 1/2 को आप cos 60 भी रख सकते हो, तो ये हो जाएगा आपका cos 40 + a इज इक्वल टू cos 60, cos से cos कैंसिल, तो 40 + a इज इक्वल टू 60, तो a इज इक्वल टू 20, ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इस क्वेश्चन में 55 का आपका आंसर होगा बी 15 डिग्री। उसके बाद 56 पे चलते हैं। यहाँ साइन अल्फा दिया है 1/2, देन कॉस बीटा दिया है इतना, तो वैल्यू ऑफ साइन अल्फा प्लस बीटा से इसको आप ओपन करोगे, तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस इंटू साइन बी से लिखोगे और उसके बाद इनकी वैल्यूज पुट करोगे। जब आप वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पे आपका आंसर बन जाएगा डी 90। उसके बाद 57 देखिए, नंबर ऑफ पॉलीनोमियल्स हैविंग जीरोस 4 एंड 5 इज, तो ये आपका आंसर होगा मोर देन 4, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट उसके बाद चलते हैं, इफ 10 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल इज दिस, देन द वैल्यू ऑफ के, ये हो जाएगा आपका माइनस का 10। प्राइम नंबर्स की फॉर्म में लिखना है 98 को, तो 2 × 272 2 × 49। ओके, उसके बाद सेट दिया, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, तो ये होल सॉरी नेचुरल नंबर्स को रिप्रेजेंट, सॉरी होल नंबर को रिप्रेजेंट करा, चूंकि 0 से स्टार्ट हो रहा। द प्रोडक्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। उसके बाद एस सी एफ पूछा है इनका, तो एस सी एफ होगा क्या दिया, 8 और 25 है, तो 1 SCF होगा, और कुछ ऐसा नंबर नहीं होता जो इनको काट सके। उसके बाद ये एक्सपेरिमेंट के बारे में पूछा किस टाइप का होगा, तो ये रैंडम एक्सपेरिमेंट होगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद फेयर डाइस इज रोल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर सच दैट एक्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1 और 6 के बीच में कुछ भी, तो ये आपका होगा प्रोबेबिलिटी क्या होगी इसकी, 1 होगी। ओके, उसके बाद चलते हैं हम 65, कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, नहीं हो सकती मोर देन 1, तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। टोटल इवेंट टू नो टू थ्रो 3 डाइस साइमल्टेनियसली इज, तो 6 की पावर 3 यानी कि 216। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ इवेंट थ्रोइंग 10 कॉइंस, तो 2 की पावर 10 का मतलब 1024 हो जाएगी। और उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 1 हेड इन टॉस ए पेयर ऑफ कॉइन इज, तो इसका आंसर आपका होना चाहिए 1/2। उसके बाद मोड एंड मीन ऑफ ए डेटा इज इन दिस एंड दिस, मीन ऑफ द डेटा इज 14,000 के 14,000 14 के, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, मोड इज इक्वल टू 3 × मीडियन -2 × मीन। ठीक है, याद रखना ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार इस पे सवाल आता है। ओके, उसके बाद यह है हमें एक और सवाल, इट वॉज डिस्कवर्ड दैट द 3 आइटम्स विच शुड हैव दिस दिस दिस, तो इसको हम छोड़ देंगे, शायद क्वेश्चन गलत है, आप इस पर कमेंट करना अगर आपको लगता है सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिटरमाइंड ग्राफिकली, तो ये होता है आपका मीन, जिसको हम डिटरमाइंड नहीं कर सकते। उसके बाद मोड इज द मैक्सिमम फ्रीक्वेंट वैल्यू, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है। टू सॉलिड हेमिस्फेयर हैं जिनको ऑपरेट करके रख दिया गया है, रेडियस कितनी आर है, तो यहाँ पे बताना है कर्व सरफेस एरिया ऑफ न्यू सॉलिड, जो नया सॉलिड बना है उसका कर्व सरफेस एरिया कितना होगा, तो ये होगा आपका 4π। उसके बाद चलते हैं 74, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फेयर सॉलिड हैविंग रेडियस 7 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस हो 7 सेंटीमीटर, टोटल सरफेस एरिया उसका कैसे निकालेंगे हम, तो ये हो जाएगा आपका 3π² से निकलेगा, ये 3π² वाई सॉरी आर की वैल्यू रखोगे 7 462 cm². सिलेंडर दिया हुआ है, सॉरी सिलेंड्रिकल पेंसिल शार्पन्ड एट 1 एज इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, तो ऊपर बन जाएगा क्या कौन, और बाकी तो सिलेंडर है ही है वो, तो क्वेश्चन ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 76, एरिया ऑफ अ सर्किल इज न्यूमेरिकल इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस एंड द डायमीटर ऑफ द सर्किल वुड बी 4 यूनिट, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा आपका। उसके बाद लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। ओके, द एरिया सर्व्ड बाई मिनट हैंड इन 5 मिनट्स इज, तो इसका आएगा ये 51.3। उसके बाद एरिया ऑफ द सर्किल हुज डायमीटर इज 21 सेंटीमीटर, 346.5 cm² आएगा इसका आंसर। एरिया ऑफ सर्किल इज 154 सेंटीमीटर, द रेडियस ऑफ द सर्किल वुड बी 7 सेंटीमीटर। उसके बाद अगला यहाँ पर दिया, लाइन सेगमेंट को हमने 2 और 3 के रेशियो में तोड़ा, तो कितना पार्ट्स बनेंगे, 2 ही पार्ट्स बनेंगे भाई। उसके बाद चल दिए देखते हैं, 2 पैरेलल लाइंस जो टच करती हैं सर्किल जंग से, तो इसकी लेंथ पूछी है इसकी। ओके, तो ये होगा आपका डायमीटर, और डायमीटर यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 82 में देखिए, जो लेंथ होंगी इन टेंजेंट्स की वो इक्वल होंगी, और उसके बाद यहाँ पे ये ओके दिया है, तो इसी रंग की फिगर आपको बनेगी, सही फिगर बनी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे आपका आंसर जो निकलेगा वो निकलेगा 12 मीटर, ऑप्शन सी इज करेक्ट। उसके बाद
एक और सवाल है कुछ इस ढंग का दिया हुआ है, इसमें आपका आंसर आएगा ऑप्शन डी 6√3। 85 देखिए यहाँ पे भी आपका आंसर आएगा टी। और उसके बाद एक और सवाल दिया है एक्स 10 45 साइन 30 इज इक्वल टू कॉस 30 इंटू 10 30, तो यहाँ पे वैल्यूज आप पुट करोगे एक्स की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1। और डिस्टेंस दी हुई है यहाँ पे, डिस्टेंस पूछी है इसके और इसके बीच की, तो एक्स वन प्लस एक्स टू का होल स्क्वायर प्लस वाई वन प्लस वाई टू होल स्क्वायर, और ऐसे करके आप निकालोगे तो ये आ जाएगी 5। ओके 5 यूनिट्स। उसके बाद 88 द एरिया ऑफ द ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर दिस, तो इसका एरिया आपका आएगा 11 यूनिट्स। और इन ए स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर डायगोनल क्या होता है, a√2। ए अगर साइड होती है तो a√2 उसका डायगोनल हो जाता है स्क्वायर के केस में। उसके बाद आगे बढ़ते 90 देखिए, द सम ऑफ द फर्स्ट एन ऑड नंबर, ये 2n+1 होना चाहिए, और सॉरी सम ऑफ तो a होना चाहिए, उसको दोबारा नोट करते हैं n2। और इसका आंसर जो है 91 का s माइनस r हो जाएगा। उसके बाद सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, तो 9/3 इज इक्वल टू 3। ओके उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो यहाँ पे आप देखेंगे एक्स की पावर 3 हो रही है, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकती। 94 आप देखेंगे तो पिता और बाप और बेटे की एज पूछी है, तो 6 और 36 साल होगी, अभी वो 6 साल का है और 4 साल बाद जो है वो 10 का हो जाएगा, उसका फादर 40 का हो जाएगा, तो फादर उसके 4 गुना हो जाएगा, अभी 6 गुना है। ओके उसके बाद 95 पेयर ऑफ इक्वेशन दिया है, इसमें कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे इसमें, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 96 ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट एंड लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग एंड कोइंसिडेंट। ओके तो ऑप्शन सी अगेन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद 97 द नंबर ऑफ पॉलीनोमियल्स हैविंग जीरोस कितने होंगे, मोर देन 3 हो जाएंगे, इसी टाइप का एक और सवाल आया था। द डिग्री ऑफ पॉलिनोमल जितनी मैक्सिमम पावर होती है, यहाँ पावर है 4, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इरेशनल, तो इसको इससे आप मल्टीप्लाई करोगे तो 3 + 3 का हो जाएगा 9, 9 - 7 यानी कि 2 आंसर आ जाएगा, ये रेशनल होगा, इरेशनल नहीं होगा। 100 का देखिए, फोर सम इंटीजर एंड द ऑड इंटीजर इज रिप्रेजेंटेड बाई 2n+1। तो ये थे आपके 100 के पूरे सवाल, हमने आंसर करने की कोशिश की वो भी 100% एक्यूरेसी के साथ। अगर कहीं धोखा ना लगा हो तो डिटेल सॉल्यूशन इसका आपको जल्दी मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।